क्लास 12th चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशंस के एग्जांपल नंबर सेकंड हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। वेरीफाई द फंक्शन, ये हमारा y इज इक्वल टू e की पावर माइनस 3x इज अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, यानी कि LHS बराबर है RHS के, ये हमें प्रूफ करना है। और हमारे पास गिवेन है फंक्शन ये, ठीक है। तो गिवेन क्या दिया गया है, गिवेन दिया गया है y इज इक्वल टू e की पावर माइनस 3x। डेरिवेटिव्स निकालने पड़ेंगे दोनों तरफ। चलिए हम लोग करते हैं, तो क्या होगा dy बटा dx, y का डेरिवेटिव्स dy बटा dx इज इक्वल टू e की पावर में माइनस 3x इंटू, अब पावर का भी डेरिवेटिव होगा तो माइनस 3x का क्या होगा, माइनस 3 होगा डेरिवेटिव। क्लियर, तो देख लीजिए यहाँ पर dy बटा dx इज इक्वल टू माइनस 3 और e की पावर माइनस 3x, ये हमारा एक बार डेरिवेटिव हो गया। अब इसी को हम दूसरा बार भी डेरिवेटिव करेंगे, तो dy बटा dx का डेरिवेटिव क्या होगा, डी एक्स स्क्वायर वाई बटा डी एक्स एक्स स्क्वायर इजकल टू माइनस 3 e की पावर माइनस 3x, ये एज इट इज आ जाएगा इनटू, अब पावर का भी डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 3x का डेरिवेटिव माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब ये हमारा डी एक्स स्क्वायर वाई बटा डी एक्स एक्स स्क्वायर इजकल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 3 9 e की पावर में माइनस 3x। LHS क्या दे रखा है, डी एक्स स्क्वायर वाई बटा डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस में डी वाई बटा डी एक्स माइनस 6 वाई इजकल टू जीरो, जीरो नहीं LHS लिखना है हमें तो सिर्फ, ठीक है। LHS मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब देख लीजिए दो बार डेरिवेटिव है, तो दो बार डेरिवेटिव ये आया है मेरा 9 e की पावर में माइनस 3x प्लस एक बार डेरिवेटिव कहाँ है, ये है एक बार डेरिवेटिव हुआ है, ये दूसरा बार डेरिवेटिव और ये पहली बार डेरिवेटिव हुआ है, तो क्या आया है माइनस 3 e की पावर में माइनस 3x माइनस 6। और y के लिए क्या लिखिएगा, y के लिए देख लीजिए e की पावर माइनस 3x, ये तो गिवन ही है, e की पावर में माइनस 3x, समझ में आ गया। अब यहाँ देख लीजिए 9 e की पावर में माइनस 3x प्लस माइनस माइनस 3 e की पावर में माइनस 3x माइनस 6 e की पावर में माइनस 3x, मल्टीप्लाई करेंगे तो वही होगा। अब देख लीजिए यहाँ पर आप, अब यहाँ देख लीजिए 9 e की पावर में माइनस 3x माइनस और माइनस माइनस का साइन और दोनों को जोड़ दीजिए, 3 और 6 9 e की पावर में माइनस 3x, ये प्लस और ये माइनस से कट जाएगा, क्या आ गया 0 इजकल टू आर एच एस आ गया, LHS बराबर हो गया RHS के, तो हम क्या लिखेंगे y इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर हम आप लिख दीजिएगा, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा y इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवेन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवेन डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन।